हेलो स्टूडेंट, थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्यूब के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में। आज डिस्कस करेंगे सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है? सिलेंडर के अंदर है ना, इसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में देखिए। सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, और सिलेंडर के टू कवर एजिज होते हैं। तो मैं उसको आपको फिगर दिखा देता हूँ। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, कोई भी इसके अंदर वर्टेक्स नहीं होता है। इसके बाद में सिलेंडर के टू कवर एजिज होते हैं। तो एक तो ये रहा हमारा जो कवर एजिज है, कवर एजिज वन, और उसके बाद में दूसरा ये है कवर एजिज टू। उसके बाद में इसके क्या होते हैं, इस सिलेंडर हैज वन कवर्ड फेस होता है, इसका वन कवर्ड फेस होता है ये। उसके बाद में टू फ्लैट स्पेस होते हैं, कितने होते हैं, टू फ्लैट सरफेस होते हैं। तो एक तो हमारा ये रहा फ्लैट सरफेस, और उसके बाद में दूसरा ये रहा फ्लैट फेस। तो दो तो फ्लैट फेस होते हैं, टू इससे क्या होते हैं, कवर एजिज होती हैं, और वन इसका क्या होता है, कवर फेस होता है। ठीक है, तो सिलेंडर के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, कोई भी इसका वर्टेक्स नहीं होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, और इसके टू कवर एजिज होती हैं, और वन कवर फेस होता है, और टू फ्लैट फेसेस होते हैं जो इस फिगर में दिखाए गए हैं। तो सिलेंडर के बारे में आपको इतना याद रखना है, इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, टू कवर्ड एजिज होती हैं, ये रही वन, और दूसरी वाली ये रही ये। और उसके बाद में वन इसका क्या होता है, कवर फेस होता है, और टू इसके फ्लैट फेसेस होते हैं। तो फ्लैट फेस एक ये रहा, और दूसरा फ्लैट फेस ये रहा। बस सिलेंडर के बारे में आपको बस इतना याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कोण। कोण में क्या होता है, कोण के अंदर है ना, एक तो वर्टेक्स होता है, एक कोण हैज वन वर्टेक्स, याद रखना आपको, कोण हैज वन वर्टेक्स। दूसरा इसके अंदर होता है वन कवर एजिज होती है, वन कवर एजिज होती है इसकी, वन कवर ये एजिज है हमारी, ये क्या है, कवर एजिज होती है। उसके बाद में इसका होता है कोण के अंदर वन कवर्ड फेस होता है, कवर्ड फेस ये रहा हमारा, ये हमारा क्या है, कवर्ड फेस हो गया। उसके बाद में वन फ्लैट फेसिस होता है, वन क्या होता है, फ्लैट फेसिस होता है। तो इसके अंदर एक तो वर्टेक्स होता है, आपको याद रखना है ये वर्टेक्स हमारा है। उसके बाद में वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी टू लाइन है ना एक पॉइंट पे मीट हो, ये क्या होता है, हमारा वर्टेक्स होता है। ऐसा कि इसके अंदर नहीं होता है, वर्टेक्स नहीं होता ना सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। तो इस कोण के अंदर वर्टेक्स होता है, उसके बाद में इसका कवर्ड फेस होता है एक, और एक होता हमारा फ्लैट फेसिस होता है, एक कवर्ड एजिज होती है इसकी, ये कवर्ड एजिज है। सिलेंडर के अंदर कितनी थी, सिलेंडर के अंदर टू एजिज थी, इसके अंदर वन है, और इसके अंदर कितनी है, वन है। सिलेंडर के अंदर कितनी थी, टू थी। तो सिलेंडर ये कोण है, कोण के अंदर याद रखना आपको, एक तो वर्टेक्स होता है, एक कवर्ड फेस होता है, एक फ्लैट फेस होता है, और टू कवर्ड एज, वन कवर्ड एजिज होती है। सिलेंडर के अंदर पूछे तो टू कवर्ड एजिज होती हैं। तो ये आपको कोण के बारे में इतना याद रखना है। अब आती है स्फेयर की बात। स्फेयर के अंदर क्या होता है, स्फेयर के अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, और स्फेयर के अंदर कोई भी एजिज नहीं होती है। स्फेयर हैज ए कवर्ड स्पेस, इसे क्या होता है, कवर्ड क्या होता है, सरफेस होता है। तो याद रखना है ये हमारा स्फेयर है, तो स्फेयर के अंदर क्या नहीं होता, स्फेयर हैज नो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। स्फीयर हैज नो एजिज, कोई भी एजिज नहीं होती है। स्फीयर हैज ए कवर्ड सरफेस, क्या होता है, कवर्ड सरफेस होता है। तो आपको याद रखना है स्फीयर के अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, कोई भी एजिज नहीं होती है, और इसके अंदर स्फीयर हैज ए कवर्ड स्पेस होता है। तो आपको स्फीयर से इतना याद रखना है। अब ये आपको याद रखना है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब पहले बात करते हैं सॉलिड क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के अंदर फेसेस कितने होते हैं, सिक्स, याद रखना क्यूबॉइड के अंदर सिक्स फेस होते हैं, और वर्टेक्स पूछे तो वर्टेक्स एक एट होते हैं, और एजिस पूछे तो क्यूबॉइड के अंदर एजिस बताए थे 12। उसके बाद में क्यूब के अंदर पूछे, क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं, सिक्स होते हैं, और वर्टेक्स कितने होते हैं, एट होते हैं, और एजिस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो आपको याद रखना है क्यूब के अंदर और क्यूबॉइड के अंदर फेस कितने होते हैं, सिक्स, और वर्टेक्स कितने, एट, और एजिस कितने होते हैं, 12 12। तो ये आपको याद रखना है, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर सिक्स तो फेस होते हैं, एट हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं,
और 12 हमारी क्या होती है, एजेस होती हैं। तो क्यूब के अंदर, क्यूबोर्ड के अंदर दोनों सेम है ना, वर्टेक्स भी सेम है, 8 8 होते हैं, नंबर ऑफ फेस भी सेम है, 6 6 होते हैं, और एजेस भी कितनी है, 12 12 होती है दोनों में। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पे, किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ फेस पूछे कितने होते हैं, 3 होते हैं, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, और वर्टेक्स इसके अंदर कोई नहीं होता है, वर्टेक्स इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, और इसके अंदर एजेस पूछे तो 2 एजेस होती है, कितनी होती है, 2 एजेस होती है। सिलेंडर के अंदर अगर पूछे नंबर ऑफ फेस तो 3 होते हैं, और उसके बाद में वर्टेक्स इसमें कोई नहीं होता है, और एजेस पूछे तो 2 एजेस होती हैं। अब बात करते हैं कोण की। कोण के अंदर क्या होता है, कोण के अंदर फेस पूछे तो 2 फेस होते हैं, कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं, और इसके अंदर कोण के अंदर वर्टेक्स कितना होता है, 1 वर्टेक्स होता है, और एजेस पूछे तो 1 ही क्या होती है, एजेस होती है। अब स्फीयर के बारे में बात करेंगे। स्फीयर के अंदर पूछे तो स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ फेस पूछे तो 1 होता है, स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ फेस है 1 होता है, और इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, कोई भी एजेस नहीं होती है, तो वर्टेक्स नील होते हैं और नहीं होता है, एजेस कितनी होती है, नील होती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहीं से सीधा पुट होता है कि क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं, ऑप्शन आएंगे 6 है 7 8 है 10 है। तो दोबारा रिवाइज करें इनको, क्यूबॉइड के अंदर 6 तो फेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 क्या होती है, एजेस होती है। क्यूब के अंदर फेस होते हैं 6, वर्टेक्स होते हैं 8, एजेस होती है 12। सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं, कितने होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, और वर्टेक्स नहीं होते हैं, नील होते हैं, और एजेस 2 होते हैं। कोण के अंदर 2 फेस होते हैं, 1 होता है वर्टेक्स, और नंबर ऑफ एजेस कोण के अंदर 1 होती है। स्फीयर के अंदर फेस 1 होता है और कोई भी इसके अंदर वर्टेक्स नहीं होता है, कोई भी एजेस नहीं होती है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखो सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। सिलेंडर में क्या बताया, सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं, तो 3 कौन कौन से, एक तो हमारा फेस ये रहा, ये फेस है, फ्लैट फेस बोलते हैं, दूसरा ये रहा फ्लैट फेस बोलते हैं, एक ये रहा कवर्ड फेस। तो इसके अंदर कितने हो गए, 3 फेस हो गए। तो याद रखना सिलेंडर के अंदर 3 फेस होते हैं, और उसके बाद में क्यूबॉइड के अंदर 3 भी होते हैं, 6 होते हैं, क्यूब के अंदर 6 होते हैं, और क्यूबॉइड के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं 8, और नंबर ऑफ फेसेस क्यूबॉइड के अंदर 12 होती है। ऐसे ही क्यूब के अंदर 6 फेसेस, और क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स, और क्यूब के अंदर 8 एजेस होती हैं। सिलेंडर के अंदर 3 होते हैं फेस, कोई भी इसके अंदर वर्टेक्स नहीं होता है, 2 एजेस होती हैं, कितनी होती है एजेस, 2 होती है एजेस, एजेस 1 ये रही, एजेस 1 और एजेस 2 ये रही। और उसके बाद में कोण के अंदर 2 होते हैं हमारे फेस होते हैं, 1 वर्टेक्स होता है और 1 एजेस होती है। स्फीयर के अंदर 1 फेस होता है और इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, कोई भी एजेस नहीं होती है।